हाय एवरीवन, क्या हाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होगे। तो यार, इंडिया का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया 3 तारीख तक, तो प्लीज़ घर पे रहिए, सेफ रहिए। और ये जो भी फैसले लिए जा रहे हैं ना गवर्नमेंट की तरफ से, ये सब हमारे लिए लिए जा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे लगता है कि ये 3 मई से और भी एक्सटेंड होना चाहिए, तभी हम कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ पाएंगे और इससे निजात पा सकेंगे। तो यार, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जापान पूरी दुनिया से अलग क्यों है। क्योंकि आज मेरे साथ, मतलब आज मैंने एक बहुत ही अच्छी फीलिंग की यहाँ पे। तो आज मेरी मैंने स्कूल ने वो स्कूल की तो छुट्टी चल रही है, बट आज मैं काम पे से भी छुट्टी लिया था। तो आज छोटा सा काम था मुझे घर पे, तो इसलिए मैं छुट्टी ले लिया। तो मैं आपको बताता हूँ कि आज मेरे साथ क्या हुआ। तो यार, मैं बताऊं कि एक्चुअली मैं जब से ही आया था ना यहाँ पे, तो थोड़ी सी मेरे किचन में तो वहाँ पे थोड़ा सा ना नीचे पानी वगैरह, मतलब कि थोड़ा लीक कर रहा था, और वहाँ की नीचे प्लाई लगी थी तो वो भी ख़राब थी। तो एक्चुअली वहाँ पे हमने ध्यान दिया नहीं मैंने। तो अभी मैंने रिसेंटली, बिफोर 1 वीक, मैंने एक हफ्ते पहले मतलब कि उसको थोड़ा सा देखा यार, सफाई वफाई कर रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि वहाँ पे ना प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि पानी नीचे टपक रहा था, तो लीक कर रहा था पाइप वहाँ का नीचे का, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब सामान भी ख़राब हो गया और प्लाई नीचे लगी थी, पूरी तरह से सड़ चुकी थी। तो मैंने स्कूल पे मतलब कि बताया वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे एक नंबर दिया जो जहाँ पे मैं रहता हूँ, जो मतलब कि बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग ओनर का मुझे नंबर दिया वहाँ से। तो मैंने उनको कॉल करके बताई प्रॉब्लम, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, कर देते हैं, हम बना देंगे। क्या सबसे पहले तो जो टाइम दिया, टाइम के बड़े फिक्स होते हैं ये लोग, तो टाइम पे आते हैं। तो यार, मैंने फ़ोन किया था 2-3 दिन पहले, तो मतलब 3 समथिंग 4 डेज़ पहले मैंने फ़ोन किया था, तो उन्होंने बोला था। तो अभी ना परसों मतलब कि एक अंकल आए थे और वो सारा कुछ यहाँ का मतलब कि देख के गए थे, और थोड़ा सा ना टम्परेरी वो मतलब कि टेप वगैरह लगा के चले गए थे, तो थोड़ा तो ठीक रहा 2-3 दिन। तो आज वो फिर से सेकंड आए थे, वो क्योंकि प्लाई वगैरह नीचे की थी, तो प्लाई वगैरह शायद लाए नहीं थे, तो प्लाई वगैरह मतलब कि चेंज करनी थी, तो आज वो फिर से आए थे। तो मुझे काफ़ी मतलब वो सुबह 9 बजे को बोला था, सुबह 9 बजे आ गए थे, तो इसी रीजन से आज मैं छुट्टी भी थोड़ा कर लिया था। मैं चलो यार सही से करवा लेता हूँ, क्योंकि वो ज़रूरी था, क्योंकि वो सामान नीचे रखा होता था ना तो ख़राब होता था, तो इसलिए फिर मैं गया नहीं। तो आज वो अंकल आए और काफ़ी मतलब कि सारा काम सेट करके गए हैं। तो एक्चुअली मतलब कि 9 से अभी थोड़ी देर पहले मतलब कि 9 बजे आए थे, और वो 12 साढ़े 12 बजे समथिंग यहाँ से गए। तो तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे का उनको टाइम लगा, तक काम करते करते उनके हाथ में चोट भी लग गई, तो ब्लड भी निकलने लगा था, तो थोड़ा फिर हमने ट्यूब वगैरह रखी थी तो उनके हाथ में लगाए गए। तो यार चलो, तो आते हैं असली मुद्दे पे। ट्यूब वगैरह लगाने के बाद उन्होंने फिर काम किया, बल्कि मैंने यार मना भी किया कि रहने दो अंकल, कल आ जाना, तो उन्होंने माने नहीं और वो काम करते रहे। तो काम भी करते रहे, तो मतलब ये भी था मुझे कि यार, हम डाउट में था मैं कि मतलब कि 2-3 घंटे हो गए तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे बनवाने के, बट एक ये भी था कि यार हम तो मतलब कि रेंट में रह रहे हैं, तो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे यहाँ की होती है, तो जिसका भी ऑनर है, जो भी ऑनर है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो यार वो करेंगे। पर फिर भी कहीं ना दिमाग में था कि यार पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए मैं गया भी नहीं था। मैं कैसा पैसे वगैरह देने पड़े, तो इसलिए मैं रूम पे रहा। तो यार मैं दिखाता हूँ पहले उन्होंने काम क्या किया है, आ जाओ। किचन है, ये किचन में एक तो यहाँ से पानी लीक कर रहा था, तो ये सारे जगह यहाँ पे जा रहा था ना, तो पानी ख़राब हो रहा था, तो ये टूटी में एक ये जो लगा है इसको भी लगा के गए हैं। तो ये जो नीचे यहाँ से पानी जाता है ना, ये भी सारा नया लगा के गए अंकल। ये जो नीचे पानी जाता है ना, तो वो नीचे लीक कर रहा था, तो दिखाता हूँ कहाँ पे। ये ऐसे नीचे ना, तो ये जो पाइप है, ये पाइप हो ना, ये पूरा लीक कर रहा था, ये नया लगा के गए हैं अभी आज, नहीं पहले तो वो ऐसे टेप वगैरह लगा के चले गए थे, और इसकी वजह से ये पूरी प्लाई ख़राब हो गई थी, तो ये पूरा यहाँ पे सड़ गया था। वो स्क्रीन शॉट है, मैं लगा दूंगा तो देखना वहाँ पे। तो यहाँ से पूरी ना अंदर ये सामान सामान रखा होता था तो ख़राब होता था, और ये पूरा पाइप वगैरह ये सारा चेंज करके गए, मतलब कि काम भी बिल्कुल अच्छी तरह से। थोड़े से मैंने हेल्प वगैरह की, क्योंकि ये
ओपन नहीं हो रहा था, तो क्योंकि यहाँ पे नहीं ऊपर पकड़ना था तो ओपन नहीं हो रहा था, तो मैंने थोड़ी सी हेल्प वगैरह की उनकी। तो यहाँ पे पूरे ये फ्लाई ना न्यू लगा के गए हैं, और टेप वगैरह मतलब कि अच्छे से लगा के गए यार, बड़ी अच्छा मतलब कि काम बड़ा अच्छा करके गए। और टोटल इसमें पूरा ना 3 से 3.5 घंटा लगा। तो और इसमें ये जो जाली होती है ना, जाली के अंदर ये कचरा नीचे इसमें जाता है, तो मतलब कि कचरा ऊपर ही रह जाता, पानी अकेला नीचे जाता है, क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो सकती है फंस जाए तो। तो ये पहले ऐसे थी, तो लेकिन इसको न्यू लगा के गया तो ये ज़्यादा अच्छी लग रही है क्योंकि। तो यार देखा कि ये सब ठीक करके गए, तो जब वो अंकल मतलब कि जाने लगे, तो मतलब कि मैंने थैंक यू किया उनका, और मतलब कि वो भी मुझे थैंक यू बोले, क्योंकि थोड़ा सा मैंने उनका सपोर्ट थोड़ा सा हेल्प की, तो उन्होंने भी मुझे थैंक यू बोला। क्योंकि यार यहाँ के बंदे ना काम किए, लेकिन अंकल को ये था कि ये मैं उनका खुद का काम है, और मतलब पूरी हॉनेस्टी के साथ यहाँ पे हर काम ना यार यहाँ के लोग बड़े ईमानदारी के साथ करते हैं। तो उनको मतलब कि मुझसे पूछा उन्होंने काम करते समय कि खाना खाया कि नहीं, तो मैंने कहा अभी नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा पानी वगैरह उन्होंने बंद किया हुआ था, तो खाना बन भी नहीं सकता था क्योंकि वहाँ पे काम चल रहा था, तो बनाया नहीं, तो इसलिए उन्होंने मुझसे पूछा वगैरह खाना वाना के लिए, तो मैंने कहा कि नहीं अभी नहीं खाया, खाना है। तो यार वो जब जाने लगे ना, तो मुझको उन्होंने मुझे लगा कि पैसे लेंगे हमसे, तो यार वो पैसे ले नहीं, मतलब वो उल्टा मुझे पैसे दे रहे थे, मतलब कि 2,000 रुपये यार वो मुझे दे रहे थे। तो यार मैं तो बिल्कुल से दिमाग के मेरा वो नहीं किया, मैं क्या यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल था कि हमें कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ेंगे, बट ये भी था कि यार शायद ना देने पड़े, लेकिन 50% चांस थे कि शायद पैसे देने पड़े। लेकिन यार जब वो पैसे दे रहे थे, तो मैंने बिल्कुल से हो गया, मैं कह ये किस लिए पूछा, तो खाना खाने के लिए बोला, कहते कि खाना खा लेना। तो उन्हें ये लगा, बताओ कि मतलब देखो काम हम मेरा था, लेकिन उनको ये लगा कि मैं अपना काम कर रहा था, तो मेरी काम के वजह से एक खाना नहीं बना पाया, खाना नहीं खाया, तो वो 2,000 रुपये मुझे दे रहे थे। तो मैंने मना किया, लेकिन बहुत ज़्यादा फोर्स किया उन्होंने कि नहीं ले लो ले लो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, खाना खा लेना, बट मैंने नहीं लिया, क्योंकि यार खाना तो ऐसे भी है, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते, ऐसे ही है, तो कोई भूख वगैरह है नहीं थी, तो मैं तो इसी में खुश था कि यार मेरा काम हो गया, क्योंकि बड़े सफाई के साथ काम हुआ, तो यार मुझे तो यही खुशी थी, तो सबसे बड़ी खुशी मेरे लिए यही थी। तो पैसे वैसे तो मैंने लिया नहीं, बट वो बहुत ज़्यादा फोर्स किए, अगर मैं एक बार तो लगा कि चलो ले ले, लेकिन फिर नहीं यार मैं क्या नहीं, तो अगर मैं एक बार भी ले लेता ना, तो मतलब कि वो पूरी तरह से देने के लिए तैयार थे और वो दे रहे थे, बट मैंने लिया नहीं। तो यार मतलब कि ये जो काम है ना, ये शायद ही किसी कंट्री में होता होगा यार ऐसा, क्योंकि यार मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बताओ काम भी कर रहे बंदे और आपका खुद का, और पैसे भी दे रहे हैं, मतलब जितना काम करवाया है ना मैंने किया है, तो यहाँ के हिसाब से कम 5 से 6 हज़ार बनते कम से कम, क्योंकि सामान भी उनका अपना था और टाइम जो लगा, तो घंटे के हिसाब से वेजेस होती हैं, तो 3 से 3.5 घंटा लगा, और कम से कम 2,500 3,350 का उनका सामान लग गया होगा, तो यहाँ के हिसाब से मतलब 5 से 7.5 7 हज़ार समथिंग पैसे अगर लगते, अगर मैं किसी और को बुलवाता बनवाता, तो आप समझ सकते हो कि 7 हज़ार का खर्च बिल्कुल जीरो में, और ऊपर से पैसे भी मिल रहे थे, तो यार ये बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत। तो यार मुझे नहीं लगता कि मतलब कि और कंट्री शायद ऐसी होगी कि आपके पैसे दे रहे होंगे, पर इसमें एक रीज़न ये भी हो सकता है पैसे देने का, लेकिन यार वो रीज़न जो भी हो, हॉनेस्टी सबसे पहले होती है, कि ये था कि मान लो चलो मैं पैसे ले लेता, तो मतलब कि जो बिल्डिंग ऑनर है ना हमारे, तो शायद वो वहाँ पे ऐड करते या नहीं करते, आई डोंट नो, बट यार लेते ना लेते, बट सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो पैसे हमें दे रहे थे, लेकिन वो ये है ना कि अब वो कहाँ से लेते नहीं लेते वो मैटर नहीं करता, मैटर तो ये है कि यार वो पैसे दे रहे थे हमें, तो इसलिए फिर यार मतलब कि मुझे बहुत अच्छी चीज़ बात लगी है, और मुझे लगा कि यार इसके मैं वीडियो बनाना चाहिए। तो यार क्योंकि मैं देखता हूँ यार कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं और फोटो खींचते हैं जापान पे रह के, कोई स्टोरी में डालता है मैं इंग्लैंड में हूँ, न्यूजीलैंड में हूँ, ऑस्ट्रेलिया में हूँ, तो यार पता नहीं क्यों ऐसे यहाँ के लोगों को लगता है, जो यहाँ पे फॉरनर या हम जैसे लोग स्टूडेंट रह रहे हैं, कि कंट्री अच्छी नहीं है, कि पता नहीं क्या है। हाँ
हाँ, रूल्स तो बहुत हैं यहाँ पे, बहुत तगड़े रूल हैं, और जो फॉलो करने में मतलब कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लगता है कि यार एक टाइम तो लगता है कि छोड़ जाओ कंट्री। बट यार ये समझ सकते हो अभी ये हॉनेस्टी कि यार अपना खुद का काम करवा के और पैसे देने की बजाय पैसे हमें मिल रहे हैं, तो यार ये बहुत बड़ी बात है। तो चलो यार, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। मेरे पास कंटेंट बहुत है, मैं आपको बहुत सारे कॉन्टेंट दूंगा। थोड़ी सी टाइम की प्रॉब्लम हो रही है, मैनेजमेंट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है टाइम की, तो यार उसको थोड़ा मैं करूँगा। तो यार इसलिए अगर मतलब कि थोड़ा सपोर्ट चाहिए, और वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो फ्यूचर में लाने वाला हूँ। और आपको जिस रिलेटेड वीडियो चाहिए वो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसे 100% बनाऊँगा। एक भाई का मुझे कमेंट आया है कि जैसे कि न्यू पर्सन आता है तो उसको मैं अगर कोई काम कैसा काम करे कि जिसमें सैलरी ज़्यादा मिलेगी, तो मैं थोड़ा इसको एनालाइज कर रहा हूँ, थोड़ा सा सर्च कर रहा हूँ। जैसे ही ये मतलब कि मुझे पूरी तरह से पता लग जाएगा कि आप कौन सा काम करके किस में ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, तो मैं वीडियो बनाऊँगा। क्योंकि मेरा इसमें वीडियो बनाने का फुल मकसद यही है कि जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ ना, तो बिल्कुल 100% मतलब कि सही हो, जैसे मेरे चैनल का नाम है वैसे मैं काम करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट करिए। ये मेरे चैनल से ना मुझे कोई पैसे वगैरह कमाने की थोड़े लालच नहीं है, बट थोड़ा सा ये होता है यार, आप सपोर्ट करोगे, वीडियो लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो थोड़ा सा जो काम करने की इच्छा होती है ना, तो उसको बंदा तेज़ी से करता है, थोड़ा सा मतलब कि मोटिवेट होता है। तो मैं इसीलिए आप लोगों से कह रहा हूँ कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं मोटिवेट होऊंगा तो आपको अच्छे से अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन जापान की प्रोवाइड कर सकूंगा।